जनवरी 2020 को दिन 11:30 से 12 बजे तक आयोजित होने वाली मानव श्रृंखला को लेकर डुमरा हवाई फील्ड में मदरसा के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम में डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कहा कि जब मकसद या उद्देश्य पाक या पवित्र हो तो सबका साथ स्वाभाविक रूप से मिलता है। उन्होंने भारी संख्या में उपस्थित मदरसा के शिक्षकों एवं छात्रों से उत्साह के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज पृथ्वी की बहुत बड़ी आवश्यकता जल जीवन हरियाली है। हमें अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाना है। एसपी अनिल कुमार ने कहा कि आप निश्चिंत होकर इस ऐतिहासिक क्षण का भागीदार बने। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा यातायात से लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। वहीं बाद में मदरसा के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला का शानदार पूर्वाभ्यास किया जिसमें डीएम एसपी सहित सभी पदाधिकारी ने भाग लिया। कल 19 जनवरी 2020 सुबह 11:30 से 12 बजे तक मानव श्रृंखला का निर्माण होना है। जल जीवन हरियाली अभियान एवं नशा मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए मानव श्रृंखला का गठन किया जाएगा। आज एक जागरूकता सम्मेलन किया गया है, इसमें हमारी सारी बच्चियां और सभी बड़े बुजुर्ग सब शामिल हैं और ये सभी और हम अपील करते हैं समस्त सीतामढ़ी वासियों से कि उसी ऊर्जा के साथ कल ठीक निर्धारित समय पे आके इस राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को सफल बनाएं। कितने लोग सीतामढ़ी से अमित कुमार की रिपोर्ट। Nation24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज चैनल Nation24 के साथ। नमस्कार।